ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਇੰਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। तो फ्रेंड्स, अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना जी। तो शुरू करते हैं असी, मैथ का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, जेकर किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सब तो छोटी भुजा दे दुगने तो 6 मीटर वद होवे तां उसकी तीसरी भुजा कर्ण तो 2 मीटर घट होवे ते उसका कर्ण होवेगा, ये तुसीं कैलकुलेट करना है। तो इसनूं सब तो पहला असीं कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं असीं ऑप्शन। तो सब तो पहला गल कर रहे हैं साढ़े को जी समकोण त्रिभुज। ये अगर अं समकोण त्रिभुज बना लीए, साढ़े को समकोण त्रिभुज आ गई ए बी सी, ठीक है जी। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिस दे विच एक कोण जिहड़ा समकोण 90 डिग्री का कोण होंगे, उन्होंने असी समकोण कहने 90 डिग्री का कोण। हुण इस दे विच की होंगे कि समकोण कोण के सामने जिहड़ी भुजा होंगी है उन्होंने असी कहने करण, और जिहड़ी नीचे है इन्हों असी कह दें बेस, और बी सी असी कह दें लंब, जां तुसीं कह सकते हो परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर। और समकोण के सामने जिहड़ी भुजा सब तो लंबी भुजा होंदी है इहनूं असीं कहिंदे करण जां हाइपाटीनूस। हुण असीं क्वेश्चन नूं थोड़ा ध्यान नाल देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का करण उसकी सब तो छोटी भुजा, ठीक है जी। तो असीं लैट कर लैंदे हां कि जिहड़ी साडे कोल छोटी भुजा है ए बी, उहनूं असीं लैट कर लैंदे हां ए बी इसकी छोटी भुजा, इहनूं असीं लैट कर लैंदे हां जी एक्स। ये कितना आ गया साडे कोल एक्स। उस तो बाद है कह रहा है कि करण जिहड़ा उसकी छोटी भुजा दे दुगने तो 6 मीटर वध है। तो इट मीनस कि जिहड़ा साडे को करण है ए सी, इसका दुगना करांगे 2x + 6 आ जाएगा। और उस तो बाद कह रहा है कि जिहड़ी तीसरी भुजा है वो करण तो 2 मीटर घट है, तीसरी भुजा कि रह गई बी सी, ये साडे को आ गया 2x + 6 माइनस 2 घटाना ये ये आ जाएगा साढ़े को 2x + 4 मीटर, ठीक है जी। हूँ असी इतने पाइथागोरस का फार्मूला लगा के तो असी एक्स की वैल्यू जी कैलकुलेट करेंगे। हूँ असी फार्मूला लगा लें कि करण का वर्ग, करण आ गया साढ़े को ए सी का वर्ग बराबर आ जाएगा साढ़े को आधार का वर्ग जमा आ जाएगा लंब का वर्ग, ठीक है जी। करण साढ़े को आ गया 2x + 6, इसका स्केयर करांगे, और बेस असी एक्स लैट किया तो करण जिहड़ा इहदा स्केयर कर लेना, तो करण आ जाएगा 2x + 4 का स्केयर, ठीक है जी। तो सब तो पहला असी इसका स्केयर रूट कैलकुलेट करांगे, तो स्केयर रूट कैलकुलेट करांगे तो आ जाएगा साढ़े को 4x² ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा साढ़े को 36 प्लस 2ab, ये किन्ना आ जाएगा 4 × 6 = 24x। इधरों आ गया साढ़े को एक्स स्केयर, यदि ब्रैकेट ब्रेक करांगे तो 4x² + b² 16 + 4 × 8 = 2 8 16x आ जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद हुण असी इसकी कैलकुलेशन इन्हों इकट्ठे करना है तो एक इक्वेशन बनावांगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इन असी सॉल्व करांगे। हुण असीं नैक्सट देखते हैं, ये साढ़े को आ जाएगा 5x² प्लस आ गया 16x प्लस 16 माइनस कर देंगे 4x² माइनस 36 माइनस 24x बराबर 0। 5x विच 4x निकल के आ गया साढ़े को x² 16x है उधरों 24 माइनस दे कि आ गया माइनस 8x, तो 16
माइनस 36 है तो यह कि आ गया साढ़े को माइनस से आ गया साढ़े को भी। ठीक है जी, हुण असीं इहदे फैक्टर बनाने कि जिन्हां नूं मल्टीप्लाई करके साढ़े को 20 आए तो उन्हां दा डिफरेंस आपस दे विच कितना आना आना चाहिए 8। तो इहदे फैक्टर बन जाणगे साढ़े को एक्स स्केयर माइनस आ जाएगा 10x प्लस 2x माइनस 20। 2x कॉमन करांगे, x माइनस 10 आ जाएगा, इहदे च 2 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 10। तो साढ़े को दो फैक्टर बन गए जी, एक बन गया x माइनस 10 और दूसरा बन गया साढ़े को x प्लस 2। इन्हों 0 के बराबर करांगे तो x माइनस 10 जो अं 0 बराबर करांगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इधरों एक्स प्लस 2 अगर 0 बराबर करांगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। तो माइनस की तो वैल्यू हो नहीं सकती, इन असी निगलैक्ट कर देंगे, असी x की वैल्यू लवेंगे जी 10। हुण असी अपने क्वेश्चन दे आ जाइए, असी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है करण। करण असी लेट किया ही 2x प्लस 6, हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करांगे आ जाएगा 20 प्लस 6 ए इक्वल टू आ जाएगा 26। हुण असी ऑप्शन देखते हैं जी, ऑप्शन है साढ़े को सी इज़ द राइट ऑप्शन है जी, 26 इज़ द राइट आंसर है, 26 नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इन लीप ईयर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे। तो साढ़े को चार ऑप्शन है, ऐसे चलना सी पंजाबी विच भी देख लेने हैं। लीप दे साल विच 53 ऐतवार आउन दी संभावना होएगी। ठीक है जी, तो सब तो पहला सानू पता है कि लीप दे विच, लीप दे साल विच किन्ने दिन होंदे है, 366 दिन होंदे है एक साल दे विच। इनू असी अगर असी वीक दे विच डिवाइड करिए, ठीक है जी, इनू असी अगर कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू वीक, अगर असी वीक दे विच इनू कन्वर्ट करांगे तो इनू असी 7 दे नाल डिवाइड करांगे तो आ जाएगा साढ़े को 7×5 35 1×6 आ जाएगा, और 7×9 14 और नीचे बैलेंस आ जाएगा साढ़े को 2। इहदा मीनस आया कि अगर साढ़े को लीप दा साल है 366 दिन है, 52 हफ्ते तो कंप्लीट हो गए, उस तो बाद रह गए 2 दिन। हूँ ये जिहड़े 2 दिन रह गए है इहदी असी जिहड़ी है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हूँ ये 2 दिन किहड़े हो सकते है, जिस तरह मान लो ये आ जाता साढ़े को, जां तो हो सकता है मंडे, जां आ जाएगा ट्यूजडे, जां आ जाएगा ट्यूजडे वैनसडे, जां आ जाएगा वैनसडे थर्सडे, जां आ जाएगा थर्सडे फ्राइडे, जां आ जाएगा फ्राइडे सैटरडे, जां आ जाएगा सैटरडे संडे, जां आ जाएगा संडे मंडे। ठीक है जी, इस तरह का साढ़े को 2-3 का हो सकता है कि जां मंडे ट्यूजडे आ सकता है, या ट्यूजडे वैनसडे आ सकता है, या वैनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे ते मंडे। ये साढ़े को किन्ने दिन बनती, 2, 3, 4, 5, 6 ये साढ़े को टोटल बन जाती है 7 दिन। 7 दिन के असी गल करनी है संडे की, तो संडे की प्रोबेबिलिटी है 2 दिन, एक इस केस में संडे आ रहा है, एक है लास्ट वाले केस में संडे आ रहा है। तो हुण असी प्रोबेबिलिटी इसकी कढ़ांगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी साढ़े को 53 जिहड़े संडे असी कैलकुलेट करने हैं वह आ जाएगी, किन्ने केस ही पॉसिबिलिटी 2 और टोटल किन्ने आ गए 7। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन डी है 2/7। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, साइन ए प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कोस ए, वियर ए प्लस 36 इज एन एक्यूट एंगल, दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू जी असी कैलकुलेट करनी है। तो नीचे भी देख सकते हो तुसी पंजाबी दे विच भी मैंशन है स्टेटमेंट, तो असी इनू करांगे साइन ए प्लस 36 डिग्री ए इक्वल टू आ गया साढ़े कोस ए, इनू अगर असी कैलकुलेट करना ए की वैल्यू
तो ए प्लस 36 डिग्री ये तो सेम आ जाएगा, इनू असी चेंज करांगे, इनू असी चेंज लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, क्योंकि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होंगे कोस के बराबर होंगे, कोस की जगह पर असी साइन 90 माइनस ए लिख लिया। हूँ दोनों की कंडीशन इक्वल, जो साइन तो साइन दोनों साइड के कैंसल हो जाना, साढ़े को बच के गया ए प्लस 36 उधरों आ गया साढ़े को 90 माइनस ए है बच गया, ए ए दोनों पासे ऐड हो जाना, दो ए बन जाना है, इधर आ जाएगा 90 माइनस 36। ठीक है जी, तो इसकी कैलकुलेशन करांगे तो ये साढ़े को कितना आ जाएगा, ए प्लस ए कितना आ जाएगा साढ़े को 2 ए, उधरों आ जाएगा साढ़े को 90 36 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4 8 तो आ जाएगा 54। ठीक है जी, 54। हुण असीं ए दी कैलकुलेशन करांगे, यानी कि 2 ए इज इक्वल टू आ गया 54, तो ए दी कैलकुलेशन आ जाएगी 54 बाय 2 कैंसल करांगे, ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है जी, 27 डिग्री। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है 45, कह रहा है कि दो बिंदुआ ए माइनस 6 10 अते बी 3 माइनस 8 नूं मिलाण वाली रेखा नूं बिंदु माइनस 4 6 किस अनुपात विच वंडेगा, असीं अनुपात कढ़नी है। ये तुसीं डायग्राम च देख सकते हो, ये साढ़े को एक रेखा है, इहदे विच ए पॉइंट साढ़े को ए आ गया, ए पॉइंट साढ़े को बी आ गया, ये सानूं इहदा पॉइंट दित्ता है, और रेशो कैलकुलेट करनी है। जो तो रेशो कैलकुलेट करनी है, रेशो नूं असीं के रेशो 1 दे विच कैलकुलेट कर लैंदे हां। तो इस दे विच फार्मूला लगा देने, अहीं एक्स की वैल्यू लगा देने, फार्मूला एक्स इक्वल टू हुंदा है एम वन एक्स टू प्लस एम टू, तो एक्स वन नीचे आ जाता साढ़े को एम वन प्लस एम टू। तो ये असी एक्स ये साढ़े को एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 4, असी वैल्यू पुट कर दी। उस तो बाद असी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साढ़े को केस आ जाना, ब्रैकेट खोलों माइनस 4 के माइनस 4 इधर आ गया 3 के माइनस 6 के वाली टर्म एक साइड पर करा, ये साढ़े को आ जाएगा माइनस 7 के इज इक्वल टू माइनस 2, और के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 बाई माइनस 7 कैंसल हो जाएगा, और के आ जाएगा साढ़े को 2 बाई 7 इज द ऑप्शन आ गया जी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर है 46 है कि अंकड़िया की मधिका होगी, अंकड़े सानू दिते है 78 56 22 34 45 54 39 68 54 और 84, तो इहदा असी मीडियन कैलकुलेट करना। तो सब तो पहला असी इहनू एक ऑर्डर दे विच लिखांगे, जां असेंडिंग ऑर्डर जां डिसेंडिंग ऑर्डर च कर सकते हैं, तो इहनू असी असेंडिंग ऑर्डर च लिखांगे बढ़ते क्रम। सब तो पहला लिख लैंदे आ बाई, उस तो बाद आ जाता साढ़े को 34, उस तो बाद आ जाता 39, उस तो बाद आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा साढ़े को 54, फिर उस तो बाद आ जाएगा 54, फिर आ गया साढ़े को 56, फिर आ गया 68, और उस तो बाद आ जाएगा 78, उस तो बाद आ गया 84। इन उस टोटल करिए तो किन्ने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इहदी जिहड़ी कैलकुलेशन है वो साढ़े को बन जाती है 10, एंड दी वैल्यू किन्नी आ जाती है 10। तो मीडियन कैलकुलेट करने वास्ते दो फार्मूले, एक ईवन नंबर का फार्मूला होंदा, एक ओड वाला होंदा। हुण साढ़े को 10 एन किन्ना आ गया ईवन, तो ईवन नंबर विच होंदा कि एन बाय 2 टर्म एंड एन बाय 2 प्लस 1 टर्म का मीन, इस दोनों टर्मां का असी मीन कैलकुलेट करना। हूँ एन की वैल्यू 10 है, अगर इतना 10 पुट करांगे तो इतने कि आ जाएगा साढ़े को 5th टर्म, उस तो बाद दूसरी टर्म में आ जाएगा इतने साढ़े को 10 आ जाएगा, इतने 1 है, एलसीएम लैके कि आ जाना साढ़े को 12/2, तो 12/2 तो कैंसल करके कि 6th टर्म, इतने कि आ जाना 6th टर्म, तो इन्हों का असी मीन कैलकुलेट करना। हूँ ये देखिए 5th टर्म तो 6th टर्म कि जी असी सीरीज़ बनाई है, उस 5th टर्म जी है 54 है, और 6th टर्म भी 54 है, इन 2 ना डिवाइड करांगे, टोटल कितना आ गया साढ़े को, टोटल करांगे 8 और 10 आ जाएगा, इन डिवाइड करांगे तो कितना आ गया 54 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी है जी, 54 इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है 47, कहिंदा कि नंबर है 2 माइनस वर्गमूल
तीन का स्क्वेयर है, इस संख्या की होगी? ये प्रकृतिक संख्या होएगी, पूर्ण संख्या होएगी, परिमेय संख्या होएगी या अपरिमेय संख्या होएगी? तो इन्हों से कैलकुलेट करके देखने, दो माइनस वर्ग तीन का स्क्वेयर करांगे तो दो का स्क्वेयर कितना आ जाना चार, प्लस बी का स्क्वेयर कितना आ जाना तीन, माइनस टू ए बी कितना आ गया चार वर्गमूल तीन आ जाएगा, ये आ जाएगा साढ़े को जी सत्त माइनस वर्गमूल तीन। हूँ ये जी साढ़े को संख्या बनी है, ये कि संख्या प्रकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? इस द राइट आंसर आ जाएगा जी, ये है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, तो चैनल सबसक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद।